अपने घर में डॉगीज या पपीज पालने का शौक तो काफी ज्यादा होता है, या यूं कहें कि उन्हें पसंद होता है। हर दूसरे घर में आजकल आपको एक पेट्स देखने को मिल जाएगा बहुत ही आराम से। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि डॉगीज को पालना और उसकी देखभाल करना दोनों बहुत मुश्किल काम है। लोग जितना उन्हें टहलाने ले जाने, उनका प्यारा सा पेट हाउस बनाने का ख्याल रखते हैं, उतना उनकी हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाते हैं। कई लोगों को तो ये पता ही नहीं होता है कि आखिर उन्हें उस पे क्या खिलाना चाहिए जो उनके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो, जिससे कि उनकी हेल्थ पर बुरा असर ना पड़े। तो आज हम कुछ ऐसी चीजें आपको बताएंगे जो आपको अपने पेट को नहीं देना चाहिए, या खास करके जो डॉगी पेट होते हैं उनको नहीं देना चाहिए। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज स्फीयर में। आई होप आप लोग बहुत बेहतर कर रहे होंगे अपने लाइफ में और अपने पेरेंट्स का ख्याल भी काफी अच्छे से रख रहे होंगे। तो बताते हैं आपको कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं कि जो आपको पेट को नहीं देना चाहिए, लेकिन इससे पहले आपको ये वीडियो एकदम लास्ट तक देखनी पड़ेगी ताकि आपको उन सब चीजों के बारे में पता चल सके। पहली चीज है अंगूर और किशमिश। अपने पेट डॉग को कभी भी भूल कर भी अंगूर या किशमिश नहीं खिलाने चाहिए। ये दोनों ही खाने में मीठे होते हैं। इन दोनों ही चीजों से डॉगी की किडनी पर काफी ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि अंगूर और किशमिश खाने से उनका पेट खराब होने लगता है, साथ साथ उन कई सारे हेल्थ इश्यूज भी होने लगते हैं। ऐसे में जब भी आप अपने पालतू डॉग को ऐसा कुछ खिलाने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। दूसरा है हमारा सेब के बीज। हम ज़्यादातर ऐसा करते हैं कि हम जो खाते हैं वो एक दो बाइट अपने पेट्स को भी दे देते हैं, उसमें से एक है सेब। डॉग को सेब के बीज नहीं देने चाहिए, क्योंकि जो कुछ लोग कुत्तों को सेब के साथ साथ उनके बीज भी दे देते हैं, जबकि सेब के बीज तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है पेट्स के लिए। सेब के बीजों में साइनाइड होता है, ये केमिकल है जो हाइपोपॉक्सिया या बॉडी में ऑक्सीजन की कमी के वजह से भी बन सकता है। तो सेब अगर आप दें अपने पेट को तो उनके बीज निकाल करके दें। दूसरा है लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज दोनों में ही थायोसल्फेट होता है, जो कि डॉग की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इससे उनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, जो कि आगे चलकर एनीमिया का कारण भी बन सकता है। ऐसे में उन्हें इन चीजों से दूरी रखें, साथ में इन चीजों से जो चीजें बनी हुई है उसको भी खाने में ना इस्तेमाल करें। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट है चॉकलेट। अक्सर हमें या बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद होता है, और जब हम ये चॉकलेट खाते हैं कुछ एक दो बाइट हम अपने पेट्स को भी दे देते हैं प्यार में, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चॉकलेट बिल्कुल भी सही नहीं है आपके पेट डॉग के लिए, बिल्कुल भी उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये बताते हैं कि चॉकलेट में ऐसा क्या होता है कि चॉकलेट आपके पेट्स की जान तक ले सकती है। चॉकलेट में एक तरह का रसायन पाया जाता है जिसका नाम थियोब्रोमीन है। ये कैफीन की तरह होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है कुत्तों के लिए, डॉग्स के लिए, पेट्स के लिए। अगर हम थोड़ा भी बाइट अगर इस चॉकलेट का दे देते हैं तो उनको बहुत ज्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, उनके हार्ट बीट में प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ये चॉकलेट डार्क चॉकलेट हुआ तो आपके पपीज की, आपके पेट्स की मौत तक भी हो सकती है। तो ये थी वो सारी चीजें जो आपके पेट्स को नुकसान पहुंचा सकती है। तो अगर आपको पेट पालने का शौक है, उनका देखभाल रखने का शौक है, उनसे अगर आप प्यार करते हैं तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी अपने पेट्स को ना दीजिए, क्योंकि उनका जो इंटेस्टाइन्स होते हैं वो हमारे मानव की तरह नहीं होते हैं, आदमियों की तरह नहीं होते हैं, इसलिए ये सारी चीजें अवॉइड करें उन्हें देने से। आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ऐसा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल लास्ट एंड हैव अ नाइस लाइफ।